सीरियल दिया और बाती हम में अब आने वाला है एक और नया ट्विस्ट। वैसे तो इस सीरियल में संध्या को आरके बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सूरज की मदद करने जो मोहतरमा आई है ना, अब वो इस सीरियल में नया ट्विस्ट लेकर आ रही हैं। सीरियल दिया और बाती हम में जल्दी ही आने वाला है धमाकेदार ट्विस्ट और साथ ही संध्या के कंधों पर जिम्मेदारी का बहुत बड़ा बोझ भी। जी हाँ, कहानी में आने वाले ट्विस्ट की एक झलक अपने दर्शकों को दिखाने के लिए ही यहाँ हो रहा है प्रोमो शूट। सूरज जी को ग्रहण लगने वाला है, ये एक्चुअली राजकुमार का पॉइंट ऑफ व्यू उसका टारगेट है, जो मैं भी आपकी तरह प्रोमो में देख रही हूँ। संध्या की तरह तो मुझे कुछ नहीं पता है, दीपिका की तरह जो मैं भी टेलीविजन पे देख रही हूँ, यही देख रही हूँ कि हाँ ऑपरेशन ग्रहण चल रहा है और उसमें राजकुमार ने टारगेट किया है सूरज जी को। वैसे हम आप सभी को बता दें कि सीरियल में जल्द ही लगने वाला है सूरज को ग्रहण, क्योंकि दिशा ने कर रखी है पूरी प्लानिंग सूरज को फंसा कर राठी परिवार को तबाह करने की। सभी की तस्वीरें खींच खींच कर दिशा अपनी प्लानिंग को अंजाम देने में लगी है। दिशा एक तेज लड़की है और तो बस इतना ही है कि वो सूरज जी को दुबई तक ले जाने में और वहाँ फूड फेस्टिवल में अपना स्टॉल लगाने में, उसको दूसरों से अलग भारत को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं सूरज जी फूड फेस्टिवल में दुबई में, तो उसमें मदद कर रही है। एक आर के नाम के शख्स ने संध्या के साथ साथ पूरे पुष्कर की नींदें उड़ा रखी है और उन्हें हैरान और परेशान कर रखा है। अब संध्या के कंधों पर है जिम्मेदारी कि कैसे वो अपने घर और अपने शहर को आरके के खौफ से बचाएगी। चलिए कहानी में आने वाले ये ट्विस्ट कितने दिलचस्प होने वाले हैं, ये तो इस प्रोमो शूट की झलक से ही पता चल रहा है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि संध्या इन मुसीबतों और परेशानियों से खुद को और अपने परिवार और शहर को कैसे बचा पाती है। खाली हमारी फैमिली टारगेट में नहीं है, बेसिकली वो हमारे देश में कुछ उथल पुथल करना चाहता है, पुष्कर को बर्बाद करना चाहता है। इस मकसद से वो पहले भी आए थे और इस बार भी है।